फाइनली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिलीज हो गई है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब हमें पता लगा था कि मार्वल जो है टीवी सीरीज रिलीज कर रहे हैं उसमें से अगर मैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का नाम लूँ, ये भी उसमें से सीरीज थी जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सोल्जर का एपिसोड 1 आया है, उसके बारे में उसके रिव्यू करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसका पूरा कम्प्लीट रिव्यू बताऊँगा कि हमें क्या क्या इसमें जो चीज़ें देखने को मिली, इसमें क्या पॉजिटिव थिंग्स थी क्या नेगेटिव थिंग्स थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, पूरा रिव्यू देखने के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जब एपिसोड 1 स्टार्ट हुआ तो उसके 10 टू 15 मिनट्स बाद ही जो ट्रू एमसीयू की फीलिंग्स है ना वो आने लग गई थी कि हम काफ़ी देर से हमने देखा बहुत, हमने आखिरी जब हम बात करूँ तो हमने फिल्म देखी होगी एमसीयू की वो हमने स्पाइडरमैन देखी थी। अब मुझे पता है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एक सीरीज है, मगर इसको देखने के बाद हमें ट्रू जो एमसीयू की फीलिंग्स होती हैं जब हम एमसीयू की फिल्म देखते हैं उसके देखते हुए जो हमें जो फील होता है वो ट्रू फीलिंग्स हमें इस एपिसोड 1 में मिल रही थी। नो ऑफेंस टू वांडा एंड विजन, वो भी एक बहुत ही अच्छा शो था, मैंने उस पर पूरे रिव्यूज़ बनाए हैं, वो भी एक टॉप क्लास शो था, वर्थ वॉचिंग शो था, मगर मैं उसको ऐसे बिल्कुल को भी नहीं कर रहा। मैं इसको एक अपना पर्सपेक्टिव से बता दूँ कि इसको देखने के बाद जिस वजह से एमसीयू को जानते हैं कि वो एक्शन सीन एक्शन फिल्म बनाता है उसमें स्टोरी लाइन को अच्छी होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट बड़ा अच्छा होता है, वो हमें सारी चीज़ें जो इस एपिसोड में देखने को मिली। और इस एपिसोड को देखने के बाद ही ये कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ का बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ गया है। हम बात टीवी सीरीज़ में देखते हैं क्योंकि जो है स्लो पेस से स्टार्ट होते हैं, हाँ ये वाला एपिसोड भी थोड़ा स्लो पेस में स्टार्ट हुआ था, मगर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और वर्थ वॉचिंग एपिसोड है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखें ना देखें, तो मैं आपको यहीं से भी बताता चलूँ कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। आगे अगले आने वाली जो हमारी मूवीज़ आएंगी उनके लिए जो है यहाँ से जो है बिल्डअप होगा, स्टोरी बिल्डअप होगी, तो ये शो ये टीवी सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को देखते हुए मुझे कैप्टन अमेरिका को देखने वाली फिल्म आ रही थी, क्योंकि बिल्कुल वही हमें सीन्स की बात जो हमें कैप्टन अमेरिका में एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, वैसे सिमिलर एक्शन सीन्स हमें इस फिल्म में बिल्कुल वैसे ही सिमिलर सीन्स हमें इस टीवी सीरीज में भी देखने को मिले। एपिसोड 1 के बारे में बात करूँ तो इस एपिसोड 1 में हमें हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स यानी कि फैल्कन और द विंटर सोल्जर यानी कि सैम और बकी, उनकी हमें स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि जब ब्लिप हुआ था उसके बाद से इन लोगों की लाइफ कैसे बढ़ ली। हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा, अगर आप लोगों ने देखा आपको पता ही होगा कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड फैल्कन को दे दी थी, तो उसके बाद से हमें इनकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं फैल्कन की बात करूँ तो वो आर्मी वालों के साथ उनकी मदद कर रहा है बुरे लोगों को पकड़ने में। यहाँ पे फैल्कन की बात हो रही है तो ये इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये भी देखने को मिली कि इस टीवी सीरीज में हमें फैल्कन की फैमिली भी हमें देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हमें फैल्कन की लाइफ के बारे में बताया जा रहा था, हमें यहाँ पर उनकी सिस्टर और उनके किड्स के बारे में देखने को मिला कि कैसे उनकी सिस्टर जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और हमारे जो फैल्कन है वो उनकी किस तरह मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बकी की बात करें यानी कि विंटर सोल्जर, उनके अपने ही मसले चल रहे हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो मैं यहाँ पर बकी की बात करूं तो बकी जो है फैल्कन से बिल्कुल अलग ही रह रहे हैं, उनके अपने ही मसले चल रहे हैं। मसलों से मेरा मुराद है जैसा कि नाइटमेयर्स। और अगर आपने हमारी सीरीज देखी आपको वो वाला सीन तो याद ही होगा जब हमें दिखाया जाता है कि बकी जो है डॉक्टर के सामने बैठा होता है, उसको अपने मसले बता रहा होता है, ये वाला सीन मुझे सिमिलर उस सीन से लगा। अगर आपने जोकर देखी है तो जब हमें जोकर इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी ऐसी सेम के सामने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा था, तो ये वाला सीन मुझे उस सीन से भी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगा। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्वल ने जो है डीसी की उस वाले सीन को कॉपी किया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं वैसे ही एक जनरल में थोड़ा बता रहा हूँ, मुझे दोनों सीन जो है थोड़े सिमिलर लगे। तो बेसिकली इस एपिसोड में आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी डिवेल्प हो रही है। अगर हम स्टोरी डिवेल्प की बात करें तो हम विलन की बात करें, इस एपिसोड में हमें विलन के बारे में उतना नहीं बताया गया जो कि एक तरह से अगर हम समझें जो एक तरह से सही भी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही हमारी स्टोरी डिवेल्प होती है, वो एक ही एपिसोड में तो हमें सब कुछ नहीं बता देंगे। हाँ वो वाला सीन आपको याद होगा और हम देखते हैं एक आदमी जो है बैंक से चोरी करके बाहर आ रहा होता है और वो फैल्कन के साथी पर हमला करता है, तो वो जो हमें कैरेक्टर दिखाया गया वो शायद इस सीरीज का जो हमें कैरेक्टर दिखाया गया है वो इस टीवी सीरीज का जो विलन हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी, यहाँ पर हमें वॉर मशीन का भी कैरेक्टर देखने को मिला था, हमने लास्ट टाइम इनको एवेंजर्स एंडगेम में देखा था, उसके बाद यहाँ पर भी हमें इनका कैरेक्टर देखने को मिला। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ की बात करें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर आपने ये वाला एपिसोड नहीं देखा तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दें, वॉच लेटर में सेव कर दें, बाद में देख लेना क्योंकि मैं आपको मेजर स्पॉइलर देने वाला हूँ। हम ये देखते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका ने फैल्कन को अपनी शील्ड दी थी तो इस एपिसोड में ये दिखाया गया कि फैल्कन ने अपनी शील्ड गवर्नमेंट को दे दी है, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से वो इस शील्ड को रखने का हकदार नहीं है। यहाँ पर ये एक मेन ट्विस्ट है, हमें पहले ही दिखा दिया गया है कि एक मैं समझ लूँ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि और मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बिल्कुल सही चीज़ उन्होंने की है, और ऐसे ही फैंस का इंटरेस्ट ऐसा ऐसा डिवेल्प होगा। मतलब आप जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता कि जब हम फाइनल सीन की अगर हम बात करें एपिसोड में जहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है
लोगों के लिए एक अपना एक सोल्जर इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि न्यू कैप्टन अमेरिका। हमें न्यू कैप्टन अमेरिका दिखाया गया है, अगर मैं उसको यही बोलूँगा फिलहाल तो न्यू कैप्टन अमेरिका हमें जो दिखाया गया जो कि बना हुआ, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या वो जिस शो का मेन विलन है उसके साथ में होगा या हमारे फैल्कन द विंटर सोल्जर के साथ ये जो है लड़ेगा। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपने फैल्कन द विंटर सोल्जर का एपिसोड 1 देखा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, इस एपिसोड में सबसे फेवरेट सीन आपका कौन सा था। मैं सुपर हीरो फैन की बात करूँ तो उनके लिए 2 दिन तो बड़े ही अच्छे गए होंगे। कल हमने जैसा देखा था कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिलीज हुई, मैंने उसका रिव्यू भी डाल दिया, आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और कल अगर मैं बात करूँ तो फैल्कन द विंटर सोल्जर रिलीज हो गए, तो ये दोनों दिन हम बात करें तो बड़े अच्छे गुजरे होंगे जो ट्रू सुपर हीरो फिल्मों के फैन। तो बस आज की वीडियो में यही था, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।